आज का ये जो केक मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही हेल्दी बनने वाला है, क्योंकि आज इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, साथ ही इसे हम चीनी के बिना ही बनाएंगे। और आज का ये जो केक है मैं बिना मेजरिंग कप के ही बनाऊंगी, ताकि आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकें। तो स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक बर्तन चढ़ा देंगे, भगोना या पैन। एक कप पानी डालेंगे, तो मैंने कप से नापा है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून गुड़। गुड़ आसानी से सभी के घर में रहता है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो गुड़ डालने के बाद में इसे हमें पानी के साथ में मेल्ट करना है। कोई सिरप वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ इसे हमें मेल्ट करना है। बस तब तक इसे हमें पका लेना है। तो देखिए, जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। तो देखिए, कॉफ़ी पाउडर भी लगभग सभी के घर में होता है, और अगर नहीं है तो आप 5 या 10 रुपए की या 2 रुपए का एक सैसे आता है उसे आप मंगा सकते हैं। तो बस इसमें कॉफ़ी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, जब तक हमारा ये गुड़ का पानी तैयार हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं एक और काम। तो हम ले रहे हैं ये केक टिन। केक टिन को हमें ग्रीस करना है, तो सबसे पहले इसमें ऑयल लगाएंगे और इसके बाद मैदा डस्ट कर लेंगे। अगर किसी के पास केक टिन नहीं है तो आप घर का कोई सिंपल टिफिन या कोई भगोना भी ले सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, एक्स्ट्रा मैदा आप बाहर निकाल दें। अब गुड़ का पानी भी हमारा तैयार है, तो इसे अच्छे से छान लें और एक बर्तन में निकाल लें। और हमने इधर एक भगोना या पतीला कोई भी हो जिस पे आप केक बेक करते हो उसे प्री हीट होने के लिए रख दें। और अब ये देखिए, हम एक अलग से बाउल लेंगे और उस पे हम रखेंगे एक छन्नी। और एक कप मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, तो आप कटोरी से एक कटोरी ले सकते हैं। और अब इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे 10 रुपए का पाउचेस मार्केट में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, अब तीनों चीज़ों को हमें इसे छान लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे आटे को अच्छे से छान लेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है, मोटे हैं पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम छान कर हटा देंगे। अब जो गुड़ वाला पानी हमने लिया था वो इसमें हम डाल देंगे, और डालने के बाद में इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना आने पाए। और इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसी बर्तन में 1/2 कप पानी और लेंगे, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा हमें इसीलिए डालना होता है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए और हमें इसकी क्वांटिटी का पता चले। जो रिबन कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उसी स्टेज तक हमें इसमें पानी को ऐड करना है। तो आज इसमें हम दूध या दही कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसे आज हम सिर्फ पानी से ही बनाने वाले हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है, और इसकी जो सही कंसिस्टेंसी है वो हमें ले करके आनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक से आ जाए। देखिए, अगर केक में रिबन नहीं बनते हैं ना, तो फिर हमारा केक अच्छा नहीं बन पाता है। अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस रहती है केक के बैटर में, तो हमारा केक जो है वो ऊपर से क्रैक हो जाता है, और अगर पतला रहता है तो वो अच्छे से कुक नहीं होता है। तो अब देखिए, ये जो आटे का केक बनता है इसमें थोड़ी मैदे की अपेक्षा थिकनेस ज़्यादा होती है। अब देखिए, हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज हम सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 सैशे हमने इनो ले लिया है, तो ये करीब 1/2 टीस्पून था, इसे हम डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और बस इसे जल्दी से हमें मिक्स कर देना है। और ये लीजिए, हमारा इनो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम तैयार किया हुआ केक टिन लेंगे, और उसमें जल्दी से हम फटाफट ये बैटर को इसमें डाल देते हैं। देखिए, अच्छे से इसे डाल दीजिए। जो बाउल में एक्स्ट्रा लगा रहता है उसे आप स्पैचुला से अच्छी तरीके से क्लीन कर लें, और इसे बस इस तरीके से हमें हल्का सा टैप करना है, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसे टैप कर लेंगे चारों तरफ से घुमाते हुए।
तो इसके एयर बबल्स जब निकल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बेक होता है। तो मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये मैं ऊपर से इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही रखिए, या टूटी फ्रूटी है आप उसे भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैं इसमें काजू भी लगा दे रही हूँ ताकि देखने में और अच्छा आए। ये देखिए इस तरीके से हम इसे भी लगा देंगे और बस अब हम इसे रख देंगे अपने प्री हीट हुए भगोने में। ये देखिए मैं अक्सर केक को भगोने में ही प्री हीट करती हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ओवन नहीं है तो मैं भगोने में ही इसे बनाती हूँ केक को। तो ये देखिए इसे हम अब करीब करीब 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे और 35 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो ये टूथपिक डालेंगे और टूथपिक डालकर इसे हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन निकल रही है। इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे हमें ठंडा होने देना है। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो अब ये केक हमारा जो है पहले से बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है तो बस अब इसे हमें डीमोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये केक टिन को छोड़ देता है और बस इसे हम टर्न कर देंगे तो बहुत ही ईजिली हमारा ये केक निकल आएगा। और आप देखिए इसका स्पॉन्ज देखिए, इसकी जाली देखिए, बहुत ही परफेक्ट बना है हमारा ये केक। और इसे हमने पानी से बनाया है, ना दूध, दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और अंदर भी देखिए मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट इसमें जाली पड़ी हुई है और बहुत ही हेल्दी ये केक बना है। हमने इसे आटे से बनाकर तैयार किया है और इसमें कोई ऑयल, बटर, घी कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। इतना आसान है ये केक बनाना कि इसे कोई बच्चा भी बना सकता है। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है और बहुत ही अच्छे से इसमें जाली आई है। अब चूंकि थोड़ा सा ये ऊपर से ड्राई लगेगा क्योंकि हमने इसमें कोई घी, बटर या कोई तेल नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हेल्दी लुक देने के लिए मैंने ऐसा किया है, आप चाहो तो इसमें ऑयल मिक्स कर सकते हो। लेकिन ये केक बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही हेल्दी बना था। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये केक। तो बनाकर ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपका केक कैसा बना था, आपको इसे बनाने में क्या असुविधा हुई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सा हमारा ये केक बन करके तैयार है। फ्रेंड्स मैंने इसमें ऑयल, बटर, घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो इसमें, अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 कप आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे हेल्दी बनाना था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। बहुत ही अच्छा बना था और मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आया, सभी ने चाय के साथ में इसे इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।